नमस्कार, इजी मेड विद पिंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर नान और इसे हम बनाने वाले हैं एकदम अलग तरीके से, जिसके कारण ये बहुत ही स्वादिष्ट नान बनकर तैयार होते हैं। हम इसकी स्टफिंग का एक अलग ही तरीका आपको बताएंगे, जिसके कारण आप इसे आसानी से बना पाएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे नान के लिए। यहाँ पर मैंने ली है मैदा 2 कप, थोड़ा नमक और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। इन सबको थोड़ा मिक्स कर देते हैं और इसी के अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसके अंदर अब डाल देंगे हम दही। 4 से 5 चम्मच मैंने दही लिया है यहाँ पर। अब इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ा गुनगुना पानी लिया है आटा तैयार करने के लिए, क्योंकि मैं इन्हें तुरंत बनाऊंगी इसलिए मैंने गुनगुना पानी लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल पानी से इसका आटा लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दे तो नान अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर हमें इसका सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। हाथ पर लगाएंगे हम थोड़ा सा घी ताकि हाथ पर चिपके नहीं, और इसको अच्छे से हाथ से गूंथेंगे तो ये हमारा एकदम अच्छा आटा तैयार हो जाएगा। और इसको हम रख देते हैं अब कुछ देर के लिए, यहाँ 10-15 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर लिया है ग्रेट करके, इसको डाल देंगे और इसके अंदर अब डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 से 2 मिर्ची हरी बारीक कटी हुई और थोड़ा सा नमक। अब इसको कर देंगे हम मिक्स। ये हमारी स्टफिंग तैयार है, इसको रख देते हैं एक साइड में। अब आटे को हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा आटा एकदम तैयार है, पहले से थोड़ा सा फूल भी गया है। अब इसको हम हाथ से थोड़ा सा इसी तरह मल लेंगे और सरफेस पर रखकर इसको हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेंगे, थोड़ा लंबा कर लेंगे हाथ से, और इसके हम कट कर लेंगे पीसेस 3, क्योंकि नान हमेशा थोड़े मोटे होते हैं रोटी और पराठे के मुकाबले। और इसकी हम लोइयां बना लेंगे थोड़ा आटा लगाकर, अगर हाथ पर चिपक रहा है तो। ये हमने लोइयां बना ली इसकी 3। अगर आपके पास टाइम है तो इसको भी आप 15 से 20 मिनट के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें तुरंत बनाऊंगी। और इसको हम बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह, और थोड़ा बीच में सूखा आटा लगा लेंगे जैसे जैसे चिपकता है तो। और इसको एकदम बड़ी रोटी की तरह बेलेंगे, जितना आप बेल सकते हो उतना इसको आप बेलें। और इस पर हम करेंगे स्टफिंग। ये हमने स्टफिंग कर दी इस पर अच्छे से और इसको हम बीच से थोड़ा सा कट कर देंगे एक साइड से, बीच से लेके, और इसको हम एक साइड से पकड़कर इस तरह रोल करेंगे तो ये आसानी से हो जाता है। और ये पूरा रोल हो गया हमारा, और इसको हम इस तरह दबा देंगे हम दोनों साइड से रखकर इस तरह सेट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टफिंग हो जाती है। और सूखा आटा लगाकर हम इसको बेल लेते हैं। ये नान बनाने का सबसे आसान और इजी तरीका है और इसमें स्टफिंग बहुत अच्छे से की जाती है। मैंने एक पैन लिया है थोड़ा कढ़ाई के जैसा, आप तवे पे भी बना सकते हो। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम पहले घी लगा देते हैं, घी या ऑयल जो भी आप बनाना चाहो जिसमें भी, और इसके ऊपर डाल देंगे हम जो बनाया था नान। और इसको हम पकाएंगे थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही, ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी अभी लगा देते हैं। और इसको मीडियम पर पकाएंगे तो ये अच्छे से पकता है, देखिए ये कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम नीचे से पकाएंगे इसी तरह, साइड्स में किनारे को भी अच्छे से पकाएंगे, ऊपर घी लगा देते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए हमारे नान कितने अच्छे बने हैं। कढ़ाई में मैंने इसलिए बनाया ताकि साइड से अच्छे से पके, और ये हमारे सभी नान हमने बना लिए हैं एकदम। अब एक नान को मैं थोड़ा सा तोड़ कर दिखा देती हूँ। इसकी स्टफिंग और इसकी लेयर देखिए कितनी अच्छी आई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।